हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी के टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स दिखेगी सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो यहाँ पर इंटरनेट सर्विस कंपनी आपको जो क्लाउड फ्लेयर है ये क्या करेगी, तो रन करेगी इथेरियम वैलिडेटर नोड्स एज पार्ट ऑफ इट्स वेब थ्री फोकस। तो जिस तरह से ये वेब थ्री फोकस कर रही है उसके जो कुछ हिस्से, मतलब उस पर जो काम करने वाली है, तो यहाँ पर इथेरियम वैलिडेटर नोड्स को रन करते हुए अपने इस सर्विस पर काम करेगी। तो फ्रेंड्स, आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखो, क्लाउड फ्लेयर जो कि एक इंटरनेट सर्विस कंपनी है, DDoS प्रोटेक्शन कंपनी है, इसने अनाउंसमेंट किया है कि न्यू स्ट्रेटजी रिगार्डिंग, कुछ नई स्ट्रेटजी के बारे में जो कि वेब थ्री एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग होगी। द कंपनी रिवील्ड इट विल रन इथेरियम वैलिडेटर नोड्स। तो फ्रेंड्स, कंपनी में जिस तरह से रिवील किया है कि ये क्या करेगा आने वाले अपने ये वेब थ्री एक्सपेरिमेंट को लेकर, तो यहाँ पर इथेरियम वैलिडेटर नोड्स जो है इसको ये यूज करने वाला है। कमिटमेंट इस तरह से निकल कर आ रहा है टू हेल्प टू स्केल द इंटरनेट, ताकि ये जो आपको इथेरियम वैलिडेटर नोड्स है इनको मदद कर सके इनके इंटरनेट को स्केल करने में, साथ ही साथ बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ स्टेक्स कंसेंसस टेक्नोलॉजी, जो आपको POS टेक्नोलॉजी है यहाँ इसका भी यूज करने के बारे में इन्होंने खुलासा किया है। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर है कि दिस विल ऑस्टेंसिबली अलाउ द कंपनी टू एसेस द एनर्जी इफिशेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो जिस तौर पे ये सब कुछ ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये अपने नए स्ट्रेटजी के साथ अपने नए प्रोजेक्ट पे वेब थ्री के फोकस करने वाले हैं, तो यहाँ पर इनकी जो नई स्ट्रेटजी होगी ये क्या करेगी, तो काफ़ी एनर्जी इफिशियंसी होगी उसमें एसेस करेगी, साथ ही साथ इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके कंसिस्टेंसी में भी मदद करेगी। मतलब ओवरऑल इनको प्रॉफिट दिख रहा है और ओवरऑल इनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने वाली है, ऐसा इनका मानना है। तो फ्रेंड्स, अब नहीं लगता मुझे और भी इसमें कुछ बहुत बड़ी डिटेल्स होगी। एक ये है, तो ये सब आपको टेक्निकल टर्म है, ये सब बहुत लोगों को समझ में, बहुत लोग क्या मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो चलो मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है, देखना आप देख सकते हो। बाकी हम लोग फ्रेंड्स इसे भी हाईलाइट मैं कर देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले न्यूज़ के लिए। फ्रेंड्स, बात करें हम लोग इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखो जो चाइनीज अथॉरिटीज है, यहाँ पर इन्होंने जो मास्टरमाइंड था MDC पिरामिड्स स्कीम के पीछे में, उसको यहाँ पर एक तरह से लग रहा है पकड़ लिया, या उसके बारे में कुछ खुलासा हुआ है जिसके बारे में नीचे आएंगे डिटेल्स में फ्रेंड्स पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो, चाइनीज अथॉरिटी जो है आपको रॉन्ग कॉन्टीस रिसेंटली जो है, तो फ्रेंड्स ये कुछ चाइनीज अथॉरिटी है जो कि रॉन्ग कॉन्टी के अंदर में, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि दे हैव प्रोसिक्यूटेड 8 इंडिविजुअल्स। तो फ्रेंड्स, 8 इंडिविजुअल्स जो है उनको पकड़ा गया है, उन पर मुकदमा वगैरह अब चलाया जाएगा, जो कि एक्यूज्ड है, जो कि खुद बोलते हैं मास्टरमाइंड होने का दावा करते हैं अपने इस मैजिक डाटा चेन, जिसको कि शॉर्ट में यहाँ पे MDC बोला गया था, जो MDC पिरामिड स्कीम है इसके वो मास्टरमाइंड है, ऐसा उन्होंने खुलासा किया है, जिसके बाद से उनको यहाँ पे प्रोसिक्यूट मान के हिरासत में लिया गया है। और उनको क्या किया जाएगा, तो उस पर मुकदमा पनिशमेंट जो भी उनके नियम कानून होंगे उस हिसाब से वो लोग करेंगे। अब ये फ्रेंड्स जो पिरामिड है, इसको ऐसा माना जा रहा है कि इसको ट्रांजेक्शन जो हैंडल किया गया था, अगर वैल्यू की हम लोग बात करें तो लगभग $147 मिलियन की जो वैल्यू है यहाँ पर इस तरह के लेन देन ट्रांजेक्शन इन लोगों के द्वारा किया गया था। अब ये स्कीम क्या है, कितनी क्या है, तो उसके बारे में उतना फ्रेंड्स डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप देखो यहाँ पर MDC का 12 कोर मेम्बर्स ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसमें से मान लो आपको 8 मेम्बर के बारे में यहाँ पे खुलासा हुआ है। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता इसमें बात ज़्यादा डिटेल्स में बात करने के लिए कुछ है, तो चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर FTX के जो फाउंडर हैं आपको सैम बैंकमैन फ्राइड, इनका मानना है या ये ऐसा सोचते हैं कि जो बिटकॉइन है इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है किस तौर पे, तो एज अ पेमेंट नेटवर्क के तौर पे अगर इसे देखें तो इसकी कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा इनका मानना है जो कि FTX के फाउंडर हैं। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे आएंगे, अब बात करेंगे इस वाले न्यूज़ पे भी डिटेल्स में। तो यहाँ पर देखो, इनका नाम ये रहा और ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो आपको FTX है उसके रहे फाउंडर, इन्होंने बोला रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइंस यूजेज। तो इस मतलब बिटकॉइन के यूजेज के बारे में जो फ्यूचर है उसके बारे में इन्होंने कुछ बातें हैं जो कही है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इन्होंने बोला कि ही डजेंट बिलीव डैट बिटकॉइन विल वर्क एज अ पेमेंट्स नेटवर्क। तो ये मानते हैं कि जो बिटकॉइन है वो आगे चल के पेमेंट नेटवर्क के तौर पर काम नहीं करेगा, मतलब इनको उस तरह के सक्सेस की चांस बहुत कम लग रही है ड्यू टू इट्स लिमिटेड कैपेबिलिटी। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, तो इसकी जो लिमिटेड कैपेबिलिटी है किस चीज़ के लिए, तो स्केलिंग टू फुलफिल दिस टास्क, ये टास्क के लिए जो इसकी जो कैपेबिलिटी या क्षमता होनी चाहिए उसमें इनको कमी दिखती है, कि एज अ पेमेंट नेटवर्क वर्क करने के लिए बिटकॉइन के पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्केल नहीं कर सकता, इस टास्क को फुलफिल नहीं कर सकता है, इस तरह से इन्होंने रीजन बताया। साथ ही साथ ये मानते हैं इट माइट बिकम्स एन एसेट अ कमोडिटी एंड स्टोर वैल्यू, बट ये मानते हैं कि क्या होगा, तो एक एसेट हो सकता है
सॉरी फ्रेंड्स, इनका मानना है कि ये एक एसेट हो सकता है, एक कमोडिटी हो सकता है, साथ ही साथ स्टोर ऑफ वैल्यू भी होगा, लेकिन ये पेमेंट नेटवर्क के तौर पे काम नहीं करेगा, बाकी ये एसेट कमोडिटी और वैल्यू हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कुछ और, अगर काम की चीज़ें मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स इसे मैं करता हूँ सबसे पहले हाईलाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है व्हाई डोंट वी गो टू अ स्टोर एंड पे विथ फिजिकल गोल्ड बार्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों हम लोग स्टोर में जाते हैं अगर, तो वहाँ पे हम लोग फिजिकल जो गोल्ड बार्स है उसके साथ हम लोग पेमेंट क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने फिर बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी रिडिकुलस एंड एब्सर्ड। तो इन्होंने बोला सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस होगा, और इट वुड बी अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, एंड आई एम श्योर इट हैड बी बैड फॉर द क्लाइमेट, और ये क्लाइमेट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग जब कभी स्टोर में जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, तो गोल्ड बार का मतलब जो सोने का बिस्किट टाइप शेप आता है, जो कि बहुत आपको पता है बहुत महंगा होता है, उस टाइप का शेप का अगर आप गोल्ड बार लेके, फिजिकल जो गोल्ड बार होता है उसको अगर आप लेके पहुंचते हो स्टोर पे, आप कुछ परचेज करते हो, तो आप उसके थ्रू तो पेमेंट नहीं करते हो, आप पेमेंट कैश के थ्रू ही करते हो। तो आपको पता है गोल्ड क्या है, तो गोल्ड भी फ्रेंड्स स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर लोग यूज करते हैं। तो वही चीज़ इनका भी कहना है कि जो BTC आपको है वो भी स्टोर ऑफ वैल्यू, एसेट और कमोडिटी के तौर पर काम करेगा, लेकिन पेमेंट नेटवर्क के तौर पे ये काम नहीं करने वाला है आगे चल के फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स और थोड़ा सा देखते हैं, अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में कुछ बात यहाँ पे इन्होंने कहा है। तो थिंग्स डैट यू आर डूइंग मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन अ सेकेंड विथ विल हैव टू एक्सट्रीमली इफिशियंट एंड लाइट वेट एंड लोअर इनर्जी कॉस्ट। तो ये बात इन्होंने कहा प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क के बारे में कि ये जो है क्या करता है, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन 1 सेकेंड में कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इफिशियंट है और लाइट वेट है, साथ ही साथ लोअर इनर्जी कॉस्ट है, मतलब इसके बारे में इन्होंने बोला कि ये सही है। लेकिन वही चीज़ है बिटकॉइन को लेकर उनका जो ओपिनियन है, एक तरह से देखो तो ठीक भी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसे करूँगा हाईलाइट, ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है, मतलब बड़ा सा स्टेटमेंट है मेरा कहने का मतलब, ये है काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। तो इसे फ्रेंड्स आप देख लो अपने बिहार पर एक बार। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने बोला एक केस के तौर पे कि जिस तरह से एल सलवाडर के अंदर में, वेयर द कंट्री अडॉप्शन ऑफ बिटकॉइन एज लीगल टेंडर, जहाँ पे कंट्री के अंदर में बिटकॉइन क्या है एक लीगल टेंडर के तौर पे वहाँ पे अडॉप्ट किया गया हैज मेड द नेशन अ लेबोरेटरी फॉर लाइटनिंग यूजेज विथ ग्लोबल कॉरपोरेशन इंटीग्रेशन विथ द टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका कहना है कि जिस तरह से ये नेशन ने यहाँ पे BTC को अपने लीगल टेंडर बनाया है, तो ये एक नेशन क्या हो गया है, तो लाइटनिंग यूजेज के तौर पे ग्लोबल कॉरपोरेशन के तौर पे अगर देखें तो एक लेबोरेटरी के तौर पे बन चुका है और टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट कर रहा है। और यहाँ पे पीयर टू पीयर पेमेंट नेटवर्क के बारे में बात की गई, इस वाले चीज़ को भी थोड़ा सा आप खुद से ही देख लो। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं, लगभग हो गया कंप्लीट यहाँ पे, और कुछ ज़्यादा नहीं है, अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस ने बोला फोकस ऑन कैपिटल गेंस। तो ये इन्होंने बोला है कि आप जो है फोकस कीजिए किस पे, तो कैपिटल गेंस पे। कहाँ के कैपिटल गेंस पे, तो जो क्रिप्टो एसेट से जो कैपिटल का गेन होता है उस पे आपको फोकस करना है, ऐसा ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस का कहना है। तो चलो फ्रेंड्स आते हैं फटाफट से कवर करते हैं इस वाले न्यूज़ को। तो यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलियन टैक्स एजेंसी जो है उसने लिस्ट किया है क्रिप्टो रिलेटेड प्रॉफिट्स को अमंग सेवरल प्रायोरिटी एरियाज, बहुत सारे जो प्रायोरिटी एरियाज है उसमें ही क्रिप्टो रिलेटेड प्रॉफिट्स को भी इन्होंने लिस्ट की है। वेयर मोर एफर्ट्स आर नीडेड, जहाँ पे इनका मानना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है इंश्योर करने के लिए करेक्ट रिपोर्टिंग। किस चीज़ को, तो करेक्ट रिपोर्टिंग का मतलब आप मान लो जो भी मतलब कैलकुलेशन है आपकी, जो भी गेन है, जो भी इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, वो मानते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स जिसको इन्होंने सेवरल प्रायोरिटी में एक लिस्ट की है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अथॉरिटी ने यहाँ पर रिमाइंड करते हुए बोला टैक्स पेयर्स को कि आपको क्या ज़रूरत है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है जो भी कैपिटल गेंस हैं, जो भी लॉस है, किस चीज़ से, तो डिजिटल क्वाइन को सेल करने के बाद या डिजिटल टोकन को सेल करने के बाद अपने रिकॉर्ड में इसको अच्छे से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इसको टैक्स रिटर्न में अच्छे से सब कुछ सबमिट कर सकें। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर पढ़ते हैं इस हवाले हाईलाइट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिप्टो क्या है, तो एक पॉपुलर टाइप ऑफ एसेट है एंड वी एक्सपेक्ट टू सी मोर कैपिटल गेंस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्रिप्टो एक पॉपुलर टाइप ऑफ एसेट है और यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा कैपिटल गेंस और बहुत ज़्यादा ही कैपिटल लॉस देखने का किस समय में, तो इस साल जो इनके टैक्स रिटर्न रिपोर्ट की जाएगी उसके अंतराल या उसके अंदर में इनको ये संभावनाएं बन रही है कि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल गेंस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कैपिटल लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अभी तक की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी मैंने सबको अपने बिहाफ पे समझाने की आपको कोशिश की है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक करो, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।